हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह किसी छाजत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये खबर छाई है, आईटीआई में 8734 पद खाली, जल्द होगी भर्ती। बता दें दोस्तों, सिर्फ अनुदेशक तकनीकी के ही 4739 पद हैं रिक्त। बता दोस्तों, प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में अनुदेशक व कार्यादेशक समेत सभी संवर्गों में लगभग 63% पद कल खाली हैं पड़े हैं। इसका असर प्रशिक्षण व विभाग के अन्य क्रियाकलापों पर भी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा के साथ भर्ती प्रस्ताव तैयार कर दिया है। दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, प्रवक्ता रसायन विज्ञान के 44 पदों का परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के आने वाले राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्रवक्ता रसायन विज्ञान के 44 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। लोक सेवा आयोग की ओर से इन पदों के लिए साक्षात्कार 1, 2 एवं 3 दिसंबर 2020 को कराया गया था। बता दें दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है कि बीएड मुक काउंसलिंग के अंतिम चरण का परिणाम जारी। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2022 की मुख्य काउंसलिंग के चौथे व अंतिम चरण का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया है। शेष सीटों पर अब पूल काउंसलिंग के लिए पंजीकरण 16 दिसंबर से शुरू होगा। सिर्फ वही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने मुख्य काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया या मुख्य काउंसलिंग में हिस्सा लिया पर सीट आवंटित नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त वे अभी जिन्हें मुख्य काउंसलिंग में किसी भी कारण से चरण में सीट आवंटित नहीं हुई है लेकिन शुल्क नहीं जमा कर सके थे, उन्हें भी पूल काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है। आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है, बेसिक शिक्षा परिषद पर चल एसएससी अभ्यर्थियों का धरना स्थगित हो गया है। तो बेसिक शिक्षा परिषद पर चल रहा एसएससी अभ्यर्थियों का धरना स्थगित हो गया है। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में एसटी के खाली 1133 पदों को एससी में बदलने की मांग को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर 2 दिन चल रहा धरना बुधवार को स्थगित कर दिया गया है। धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि उच्च सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अनिल कुमार ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी 67,867 भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एसटी के खाली पदों को एससी में शामिल कर नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का था ये समाचार। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।